हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेशन टू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम लोग बैंकिंग पैटर्न पे 10 अच्छे सवाल को देखेंगे। तो चलते हैं सवालों की ओर। जो लोग मेरे बारे में या डीआर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखो, सवाल शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, जिन लोगों तक ये सवाल नहीं पहुँच पाया था या जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसके रिक्वायर्ड पीडीएफ इन सवालों की मैंने अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन में। आप जाओ, पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद फिर चीज़ों को देखना कि क्या तुमने सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में क्या बोल रखा है, देखो, बोल रहा है इन अ सिटी हॉस्पिटल देयर आर 1600 पेशेंट। टोटल जो है 1600 पेशेंट हैं हमारे पास। ठीक है, ईच पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वन और मोर एमंग द थ्री हेल्थ प्रॉब्लम। हर एक पेशेंट या तो एक या फिर एक से अधिक प्रॉब्लम से झेल रहा है। तो कौन कौन से वो प्रॉब्लम है? हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम एंड लीवर प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने इंडिकेट कर देना है यहाँ पे। देखो, यहाँ इसे मान लो हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, इस सर्कल को मान लो किडनी प्रॉब्लम और इसे मान लो तुम लीवर प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो सवाल में तुम्हारा, 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, 25% जो है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स के, वो उन्हें क्या है? हार्ट प्रॉब्लम है। तो हार्ट प्रॉब्लम को जो इंडिकेट करेंगे, अब देखो यहाँ पे हार्ट को जो इंडिकेट करने वाला है वहाँ पे तुम्हें क्या बोल रहा है कि सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, हैव हार्ट प्रॉब्लम एंड किडनी प्रॉब्लम बोथ। ठीक है, हार्ट और किडनी दोनों है, लेकिन ऐसा नहीं बोला सवाल में कि लीवर नहीं है। ठीक है, अब है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हार्ट एंड किडनी दोनों हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो हार्ट एंड किडनी का बोथ पार्ट कौन सा इंडिकेट कर रहा है? ये वाला पार्ट हमारा इंडिकेट कर रहा है। अब इस पार्ट के, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट इंडिकेट कर रहा है। तो अब इस पार्ट के बारे में मुझे जानना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें नेमिंग कर लो। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी। ठीक है, ये ए बी सी जो तुमने इंडिकेट किया, ये ओनली हार्ट ए के लिए, ओनली सी जो था हमारा ये ओनली किडनी के लिए, ये बी वाला पार्ट जो है ओनली लीवर के लिए। ठीक है, अब फिर यहाँ से थोड़ा नेमिंग करो, इसे मान लो डी, इसे मान लो ई और इसे मान लो एफ। तो देखो यहाँ से ये जो F वाला पार्ट है, ये F वाला पार्ट इंडिकेट करता है तुम्हारा लीवर और किडनी का, ये D वाला पार्ट इंडिकेट करता है हार्ट एंड लीवर का, और ये E वाला पार्ट इंडिकेट करता है हार्ट एंड किडनी का। अब ये जब G अटैच्ड कर दोगे इसमें तुम यहाँ पे, तो ये G इंडिकेट कर रहा है तीनों को, मतलब हार्ट, लीवर एंड किडनी को। तुम्हें बोला सवाल में कि टोटल तुम्हारे पास 1600 हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल? 1600 पेशेंट है। मतलब क्या तुम्हारा कि ये ए बी सी डी ई एफ एंड जी मिला के तुम्हारा कितना है? 1600 है। ठीक है, अब बोल रहा था क्या तुम्हारा सवाल में, देखो पहला स्टेटमेंट, 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हैव हार्ट प्रॉब्लम एंड किडनी प्रॉब्लम बोथ। 25% जो है उनको क्या है? हार्ट एंड किडनी। देखो हार्ट एंड किडनी को कौन इंडिकेट कर रहा है? ये वाला पार्ट और ये जी वाला पार्ट में भी हार्ट एंड किडनी आ रहे। अब ऐसा नहीं बोला सवाल में कि लीवर नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन हार्ट एंड किडनी तो है, इसलिए हमारा ई प्लस जी मिला के जो हो जाएगा वो टोटल का 25% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसे काट दो, 25 से जब सॉल्व करोगे 16, यानी कि क्या देगा तुम्हें? 400 ई प्लस जी तुम्हें निकल गया। अगला देखो क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव हार्ट प्रॉब्लम एंड किडनी प्रॉब्लम बोथ। हार्ट एंड किडनी प्रॉब्लम बोथ वाले का रेशियो, जैसे यानी कि हार्ट एंड किडनी अभी हम लोगों ने निकाला ई प्लस जी, ठीक है, इसका रेशियो किसके साथ दिए हुए है? एंड द नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव किडनी प्रॉब्लम एंड लीवर प्रॉब्लम बोथ। किडनी एंड लीवर, देखो किडनी एंड लीवर किसको इंडिकेट कर रहा है? ये एफ एंड जी को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि एफ प्लस में जी का जो रेशियो दिए हुए है तुम्हें, वो रेशियो दिए हुए है तुम्हें कितना? 5:4। तो देखो E प्लस जी तो तुमने निकाल लिया 400, तो E प्लस जी जब तुमने 400 निकाल लिया, तो 5 की वैल्यू हो गई कितने के बराबर? 400 के बराबर। ठीक है, 5 की वैल्यू जब 400 के बराबर हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 के बराबर। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुना 80 कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा? 320, यानी कि तुम्हारा F प्लस जी भी निकल गया, कितना निकल गया? 320 में 20। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हैव हार्ट प्रॉब्लम एंड लीवर प्रॉब्लम बट नॉट किडनी प्रॉब्लम। 10% लोगों को हार्ट एंड लीवर प्रॉब्लम था, लेकिन किडनी नहीं था। ठीक है, तो किडनी नहीं था। अब देखो यार, हार्ट एंड लीवर बोलता तो डी एंड जी लेते, लेकिन बोल दिया किडनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हार्ट एंड लीवर वाला पार्ट को कौन इंडिकेट कर रहा है? डी। यानी डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1600 का 10%, यानी कि कितना हो जाएगा? 160। देखो अभी तक मैं, तुमने एक डाटा निकाल लिया, ये डाटा कितना निकल गया? 160 निकल गया। ठीक है,
फिर आगे देखो अगला क्लाइंट क्या बोल रहा है तुम्हें, 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हैव ओनली किडनी प्रॉब्लम, 25% जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट है उनको सिर्फ किडनी प्रॉब्लम है। तो सिर्फ किडनी को कौन इंडिकेट करता है, सी, यानी सी की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी। सी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो यहाँ से, 1600 का 25%, अभी निकाला था तुमने 1600 का 25% कितना देता है 400, यानी ये सी भी निकल गया हमारा कितना 400 में। ठीक है, अब फिर आगे देखो अगला क्या दे रखा है, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव ओनली किडनी प्रॉब्लम, सिर्फ किडनी प्रॉब्लम, एंड द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव किडनी प्रॉब्लम इज 5:11। सिर्फ किडनी प्रॉब्लम वाले का और टोटल नंबर ऑफ किडनी प्रॉब्लम वाले का रेशियो दिए हुए 5:11। तो देखो सिर्फ किडनी वाले कौन है, सी, और टोटल नंबर ऑफ किडनी क्या है, ई सी एफ जी, ये चारों मिला के टोटल नंबर ऑफ किडनी है, यानी कि ई प्लस में सी प्लस में एफ प्लस में क्या कर दो, जी कर दो, और इसी का रेशियो दिए हुए है 5:11 में कितना 11। अब देखो फिर उसी तरीके से ये 5 की वैल्यू तुम्हें पता है 400 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, यहाँ से 11 में निकाल दो, 11 गुना 80 करोगे तो ये तुम्हें क्या दे देगा 800 में 80, यानी तुम्हें क्या निकल के आ गया यहाँ से, E प्लस में C प्लस में F प्लस में G हमारा कितना हो गया 800 में 80। ठीक है, जब E C F G 800 में 80 हो गया, तब देखो दो तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले F प्लस G की वैल्यू तुम्हें 320 मालूम है, C की वैल्यू 400 मालूम है, यहाँ से E निकल जाएगा तो रख दो वैल्यू, E प्लस में C की वैल्यू 400 और F प्लस G की वैल्यू 320। ठीक है, और इज इक्वल टू तुम्हें कितना दिया हुआ है 800 में 80, यानी कि E की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो E की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 160, बैठा दो E का मान कितना निकल गया तुम्हारा 160। ठीक है, अब जब E की वैल्यू तुम्हें 160 निकल गई तो फिर तुम इसी इक्वेशन में तुम देखो कि तुम्हें क्या क्या दिए हुए है, E C F G है तुम्हारे पास, E और G तुम्हें दिए हुए है 400, ठीक है, C तुम्हें मालूम है कितना 320। ठीक है, E और G तुम्हें दिए हुए 400 और सॉरी C भी मालूम है तुम्हें, C कितना है तुम्हारा 400, तो तुम यहाँ से F भी निकाल सकते हो, तो F निकाल दो तुम, 400 लिख दो E प्लस G के लिए, C के लिए भी लिख दो 400 और प्लस में F कर दो बराबर में 800 में 80, यानी F की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई 80 निकल गई। वो धीरे धीरे करके हर एक ब्लॉक भराता जा रहा है, इस वेन डायग्राम के सवाल में हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हर एक ब्लॉक को हम लोग को क्या करना है, भरना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे देखो अगला लाइन क्या बोल रखा है। अब तुम ना यहाँ से एक बार ओवरऑल व्यू देख लो कि तुम्हें क्या क्या दिए हुए था, क्या क्या निकाल लिया। तुम्हें ई दिए निकल गया है, ई प्लस डी 400 है, तो जी का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा, जी का मान हो जाएगा 400 माइनस में 160, यानी कि जी निकल जाएगा तुम्हारा कितना 240। तो जो निकलते जाए उसको भरते चले जाओ, जी निकल गया तुम्हारा कितना 240। इसी तरीके से जी जब तुम्हारा निकल गया तो देखो स्टार्टिंग में ए और ई का कंसेप्ट, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हैव हार्ट प्रॉब्लम बट नॉट लिवर प्रॉब्लम। 30% ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है लेकिन लीवर प्रॉब्लम नहीं है, तो हार्ट वाले को देखो कौन इंडिकेट कर रहा है, ए इंडिकेट कर रहा है, ई इंडिकेट कर रहा है, लीवर नहीं चाहिए तो डी और जी नहीं लिया। अब किडनी है कि नहीं इस तो बोला ही नहीं, लेकिन हार्ट बोला तो ई में तो हार्ट भी तो आ गया ना, इसलिए ए प्लस में ई जो तुम्हारा हो गया वो हो गया 1600 का 30/100। ठीक है, तो 1600 का जब 30/100 हो गया, सॉल्व कर दो इसे यहाँ से, ये तुम्हें दे देगा 480। E की वैल्यू तुम्हें निकल गई 160 A प्लस में, A बराबर में कितना हो जाएगा तुम्हारा 300 में 20। ठीक है, A भी निकल गया तुम्हारा, A यहाँ पे बैठा दो 300 में 20। अब देखो तुम्हारे पास बच क्या रहा है, बच रहा है एक B, क्योंकि सारा चीज़ तुम्हारा निकल गया। स्टार्टिंग में तुमने लिखा था A B C D E F G बराबर में क्या है 1600, तुम सब जगह A का वैल्यू बैठा दो, C का बैठा दो, D बैठा दो, E बैठा दो, F बैठा दो, जब G बैठा दो, सब जब बैठा दोगे तो बैठाने के बाद तुम्हें यहाँ से B निकल जाएगा, तो सॉल्व जब करोगे तो B की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी तुम्हारी 240, यानी कि तुम्हारा जो B का मान है वो निकल गया 240। अब ये जब सारे ब्लॉक्स हमारे भरा गए ना, तो इसी पे बेस्ड हमसे सवाल पूछा है और इसी को हम लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो देखो हम लोग का सवाल कैसे है, इसी चीज़ को मैंने डायग्राम पे यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट करके रख चुका हूँ। यहाँ पे हम लोगों का हार्ट निकला था 320, यहाँ पे हार्ट एंड लीवर निकला था 160, ये टोटल 240, ये 160, 80, 240 एंड 400। ठीक है, देखो सवाल में पहला क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव ओनली टू ऑफ द गिवन थ्री हेल्थ प्रॉब्लम। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट निकालना है जिनको सिर्फ दो ही बीमारी है इन दिए हुए तीन हेल्थ प्रॉब्लम से, तो दो बीमारी वाला देखो कौन इंडिकेट कर रहा है, ये 80, ये 160 और ये 160, तो जोड़ दो
160 प्लस में 160 320 और प्लस में क्या 80 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 400। ठीक है, कितना आसान है, बस इस कैलकुलेट को ना एक और सॉल्व करना होता है वेन डायग्राम में, सारे ब्लॉक्स भरा गए तो सवाल इसके बहुत आसान होते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल में क्या है, नेक्स्ट में बोल रहा है फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव ओनली वन हेल्थ प्रॉब्लम, जिनको सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम, एंड द नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव ऑल थ्री हेल्थ प्रॉब्लम, जिनको सभी तीनों हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या बोला सवाल में कि एक हेल्थ प्रॉब्लम वाले, तो एक हेल्थ प्रॉब्लम देखो क्या है 320 240 एंड 400 ऐड कर दो, 320 प्लस में 240 प्लस में 400 और इसके रेशियो किसके साथ निकालनी है, तीनों कॉम्बाइंड में, तीनों कॉम्बाइंड वाले कितने हैं 240, रेशियो कर दो 240 ऐड कर दो, यहाँ से ऐड करोगे तो ये तुम्हें देगा 960, रेशियो में ये तुम्हें देगा 240। ठीक है, काट छाट दोगे 24 से साफ साफ दिख रहा है, कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, यानी कि रेशियो जो आ गया 4:1। इसे थोड़ा और भी तुम आसान कर सकते हो, 000 हर जगह काट दो, सब 8 का मल्टीपल में है और वहाँ से इतना बड़ा अगर नहीं जोड़ने का मन है तो ऐसे भी कर सकते हो, 000 और 0 कट गया, 8 से कट जाएगा 4 बार में, 8 3 24, और फिर यहाँ से काट दो 8 से 5 बार में, फिर 8 से 3 बार में, 5 4 9 3 12, फिर 3 से काट दोगे 4 बार में, आ जाएगा वही 4:1। इस तरह हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 4:1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव हार्ट प्रॉब्लम, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव लीवर प्रॉब्लम, जिनको लीवर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हार्ट पेशेंट वाले जो हैं वो देखो कितने हैं, 320 प्लस में 160 प्लस में 240 एंड प्लस में 160। ठीक है, ऐड करोगे तो ये तुम्हें देगा 880। ठीक है, अब फिर लीवर का निकाल लो, लीवर का तुम्हें दिए हुए है, लीवर में कितना कितना है हमारा 240 फिर 80 और फिर प्लस में क्या 160। ठीक है, अब यहाँ से तुम देखो इन दोनों का जो जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद तुम्हें क्या देगा 720। इन्हीं दोनों का तुमसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, घटा दो यहाँ पे, घटाने के बाद ये तुम्हें क्या मिल गया 160। इसी के साथ हमारा ऑप्शन जो है वो है 160। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव हार्ट प्रॉब्लम बट नॉट किडनी प्रॉब्लम। एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट निकालना है जिनको हार्ट प्रॉब्लम है लेकिन किडनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हार्ट प्रॉब्लम लेकिन किडनी प्रॉब्लम नहीं वाले कितने लोग हैं, तो हार्ट प्रॉब्लम 320, जब तुम ये 160 लोगे तो उसमें किडनी आ जाएंगे, ये 240 लोगे उसमें किडनी आ जाएगा, लेकिन हार्ट भी आ रहा है तो इसको तो तुम ले नहीं सकते इन दोनों को। ये वाला 160 जब तुम लोगे तो ये वाला 160 में लीवर आ रहा है, लीवर के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। तो तुम्हें क्या बोला है कि वैसे लोगों का एवरेज निकालना है जिनको हार्ट प्रॉब्लम है लेकिन किडनी नहीं, तो ऐसे कितने लोग हैं 320 प्लस में क्या 160। ठीक है, ऐड कर दो यहाँ से, ऐड करने के बाद ये तुम्हें कितना मिल जाएगा 08 and 1 4180। ठीक है, फिर तुम्हें क्या बोल रहा है, और बोल रहा है एंड द नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव लीवर प्रॉब्लम बट नॉट हार्ट, लीवर प्रॉब्लम है लेकिन हार्ट नहीं है, तो वैसे लोग कितने हैं तुम्हारे पास 240 प्लस में क्या 80। ठीक है, ऐड कर दो ये तुम्हें देंगे 320। अब तुमसे सवाल में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन दोनों को तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो जब तुम एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या हो जाएगा 480 प्लस में 320 डिवाइडेड बाई में क्या 2, यानी कि 800 बाई में 2 जब करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा 400 और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 400। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव ओनली लीवर प्रॉब्लम, ओनली लीवर प्रॉब्लम कौन सा है 240। ठीक है, इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव ओनली किडनी प्रॉब्लम, ओनली किडनी प्रॉब्लम वाले का कितना परसेंट है, तो लिख दो यहाँ से ओनली किडनी वाले 400 हैं, इसका x परसेंट है, लगा दो यहाँ से 00 खत्म हो गया, 4 से काट दो 60 बार में, x का मान कितना निकल गया 60% और इसी के साथ हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना आसानी से इसके सवाल सॉल्व हो गए, इसमें जो तुम्हें टाइम देना है ना वो उसके डाटा को कलेक्ट करने में टाइम देना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम के सवाल बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं आते हैं, बहुत ही आसान आते हैं, तो इससे ज़्यादा बकाना नहीं है, मेंस में कभी कभार पूछ सकता है, कभी कभी पीटी में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलो अब हम लोग चलते हैं कुछ और 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो सवाल में क्या बोल रहा है, द फादर वॉज 30 ईयर ओल्ड वेन द सन वॉज बॉर्न, जब सन बॉर्न हुआ था उस समय पिताजी की उम्र कितनी थी, 30 साल थी। तो सन बॉर्न हुआ था मतलब क्या है कि पिताजी का उम्र उस समय जितना समय का अभी सन है, यानी कि फादर माइनस सन की वैल्यू तुम्हें दी हुई है
कितनी दी हुई है, 30 ईयर। या तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो पिताजी अभी 70 साल के हैं और पुत्र जो है वो 20 साल का है, सन अगर फादर अगर 70 ईयर्स का है एंड सन 20 ईयर है, तो सन के जन्म के समय पिताजी की उम्र क्या होगी? तो सन के जन्म का समय मतलब क्या 20 साल पहले तुम्हारा, यानी कि 70 माइनस क्या 20, यानी कि फादर माइनस क्या सन, ठीक है। तो यही तुम्हें दिए हुए। फिर आगे क्या बोल रहा है तुम्हारा सवाल में कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 15 साल के बाद द सन विल बी, तो सन में 15 साल जोड़ दो, सन विल बी क्या एज ओल्ड एज द फादर वाज व्हेन द सन वाज 5 ईयर ओल्ड, जब बेटा जो है 5 साल का था उस समय पिताजी की उम्र सन के 15 साल बाद के उम्र के बराबर है, ठीक है। तो सन के 5 साल ओल्ड के समय में पिताजी की उम्र कितनी होगी, जब सन का जन्म हुआ था तो उस समय उनकी एज थी 30, तो 5 साल के बाद यानी कि क्या हो जाएगा 30 प्लस में 5 यानी कि 35 हमारा हो जाएगा, ठीक है। एस बराबर में 35 माइनस में 15 जब कर दोगे तो एस की मान कितनी निकल जाएगी, 20 निकल जाएगी। फादर बराबर में 30 प्लस में 20 हो जाएगा, फादर 30 प्लस में एस यानी कि क्या हो जाएगा 50। तुमसे यही पूछा है सवाल में व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ फादर, फादर का प्रेजेंटेज कितना है 50 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, बोल रहा है इट इज नोन दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मैंगोज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 एप्पल, ठीक है। सीपी का बात करते हैं मैंगो और एप्पल का, तो सीपी जो है हमारा मैंगो का वो क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मैंगोज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 एप्पल। यहाँ मान लो इसकी कॉस्ट प्राइस एक एप्पल की x थी, इसकी एक एप्पल की y थी, एक इक्वेशन तुम्हें दिए हुए कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मैंगो इज इक्वल टू 3y, यानी x बटे में y जो है तुम्हारा वो दिए हुए है कितना 3/2, ठीक है। फिर बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 मैंगो, सीपी ऑफ 4 मैंगो, 4 मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल, ठीक है, 5 एप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 5 एप्पल का, एप्पल का सेलिंग प्राइस एक का मान लो ए है, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ए हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 4x बटे में क्या निकल जाएगी 5, यानी कि यहाँ पे लिख दो तुम 4x बटे में क्या 5। बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 100 एप्पल्स, 100 एप्पल्स को बेचने पे क्या परसेंटेज प्रॉफिट होगा। तो सीपी देखो यहाँ पे निकाल लो, सीपी अगर एप्पल का 100 एप्पल का मानोगे तो क्या हो जाएगा 100 ए, और एसपी निकालोगे तो एसपी क्या हो जाएगा 100 इंटू 4x बाय में क्या 5, 5 से काट दो 20 बार में, यानी कि ये तुम्हें क्या दे देगा 80x दे देगा। अब यहाँ से देखो y का रिस्पेक्ट में तुम्हें जानना है, यहाँ x आ गया तो y बराबर में तुम बोल सकते हो 2x बाई में 3, ठीक है, यानी कि यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा 200 बाई में 3x, ठीक है। अब यहाँ से तुम एक काम करो cp और sp का रेशियो निकाल लो, cp और sp का जब तुम रेशियो निकालोगे तो देखो यहाँ से 200x और यहाँ से क्या हो जाएगा 80 इंटू 3 यानी कि 240x, ठीक है। 0 0 का x x कट गया, 2 से काट दो इसे 100 बार में, 2 से काट दो इसे 120 बार में। अब 100 के रिस्पेक्ट में कुछ भी तुलना होता है तो वो क्या होता है परसेंटेज के रूप में, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ 20% का, यही पूछ रहा था व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेंड बाय सेलिंग ऑन 100 एप्पल, 100 एप्पल पे कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में देखो क्या है, इन अ शॉप देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% एंड 10%, तीन तरह का डिस्काउंट है। कब, इफ अ पर्सन बाइज 4 आर्टिकल्स टुगेदर, 3 आर्टिकल्स टुगेदर, 2 आर्टिकल्स टुगेदर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब 4 आर्टिकल करता है तो उसको डिस्काउंट देता है 30%, 3 आर्टिकल पे 20% और 2 आर्टिकल पे 10%, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर इफ ही सेल्स 4 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स एंड 2 आर्टिकल्स टुगेदर टू 3 डिफरेंट पर्सन रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड ही मार्क द आर्टिकल 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। आर्टिकल को जो मार्क किया था वो क्या किया था 50% अबव कॉस्ट प्राइस पे किया था। तो मान लो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल जो है, ठीक है, वो कितना है हमारा 100, तो एमपी क्या हो जाएगा एक आर्टिकल का एमपी हमारा हो जाएगा 50% अधिक यानी कि 150, ठीक है। अब पहले बंदे को जो इसने बेचा, पहले बंदे को उसने कितने बेचा 4 आर्टिकल्स बेचे, और 4 आर्टिकल्स पे वो डिस्काउंट कितना देता है 30% का, यानी क्या 70/100, ठीक है। सॉल्व करोगे इसे तो ये तुम्हें देगा 400/20, देखो आसानी से 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा, सारा मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 150 3 आर्टिकल्स बेचता है,
अब वहाँ पे डिस्काउंट हो जाता है 20%, यानी क्या हो जाएगा 80/100, ठीक है, यानी कि कितना दे देगा ये 360 दे देगा। फिर तीसरे आर्टिकल पे आते हैं, तीसरा आर्टिकल क्या बोलता है, तीन आर्टिकल है यानी कि क्या हो जाएगा 150 गुने में 2, ठीक है, और गुने में कितना 90, बाई में क्या है 100 है, ठीक है, यानी 0 0 यहाँ से फिर काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें ये दे देगा तुम्हें 270। ये 270, 360 और ये जो निकला तुम्हारा, ये क्या निकला है, सेलिंग प्राइस निकला है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जब तुम्हारा निकल गया तो इस सेलिंग प्राइस को क्या करो, ऐड कर दो, यहाँ से जब ऐड करोगे 420, 360 एंड यहाँ से तुम्हारा 270, तो ये जब तुम्हें ऐड करोगे, ऐड करने के बाद तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऐड करने के बाद ये तुम्हें देगा 1050, ठीक है, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस जो है तुम्हारा, टोटल सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल का, 4, 3, 7, 2, 9 आर्टिकल का, ठीक है, टोटल एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, ठीक है। तो जब तुम्हें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए तुम्हें सीपी भी जानना होगा, तो सीपी ऑफ 9 आर्टिकल क्या हो जाएगा, ठीक है, 9 आर्टिकल का सीपी हो जाएगा हमारा 9 × 100, जो कि कितना देगा हमारा 900, 900 हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1050 माइनस में कितना 900, यानी कि कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 150 का प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर में क्या हो जाएगा, 150/ कितना 900 और गुने में कितना 100, ठीक है, ये 0 0 यहाँ से ख़त्म हो गया। 3 से काट दो ये तुम्हारा 3 बार में, 3 से काट दो ये 50 बार में, ठीक है, 3 से जब तुमने काट दिया ऐसे तो 30 और 50 कट गया, यानी कि इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना देगा, 16.67%। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 कितना 67%, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है। इन 2017 द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास इन अ स्कूल फ्रॉम 1 to 12 वाज 84, ठीक है, एवरेज जो है 1 से 24 तक का वो 84 है। तो तुम्हें मालूम है सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज इंटू क्वान्टिटी, तो सम ऑफ स्टूडेंट्स निकाल दो। तो मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग पेयर है, ठीक है, सम ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ स्टूडेंट्स इन 2017 कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 12 तक का, एवरेज तुम्हें दिए हुए है 84, सम निकालना है यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा 1008, ठीक है। फिर बोल रहा है इन 2018 द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एडमिशन फ्रॉम क्लास 1 to 5, ठीक है, तो जो लोगों ने एडमिशन लिया था उनका एवरेज 1 से 5 तक का 16 दिए हुए, तो सम ऑफ एडमिशन टेकन, सम ऑफ एडमिशन टेकन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक, ठीक है, इनका एवरेज दिया हुआ तुम्हें 16, यानी कि 6 सम क्या हो जाएगा, 16 × 5 = 80, ठीक है। फिर तुम्हें और क्या दिया हुआ है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट फ्रॉम 6 to class 6 to 12 इट वाज 12, तो सम ऑफ लेफ्ट निकाल दो, सम ऑफ लेफ्ट कौन से कौन क्लास तक का, 6 से 12 तक का, ये तुम्हें दिए हुए है एवरेज 12, यानी कि सम क्या हो जाएगा, 6 से 12 में 7 क्लास, 12 × 7 कितना हो जाएगा 84, ठीक है। फिर तुम्हें आगे देखो क्या दिया हुआ, इफ इन 2018 द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट फ्रॉम क्लास 1 to 5, ठीक है, सम ऑफ लेफ्ट, ठीक है, सम ऑफ लेफ्ट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक, वो कितने थे, 18 थे, यानी कि क्या हो जाएगा, 18 × 5 यानी कि कितना 90। एंड द टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिकेम कितना, 1,116, और टोटल स्टूडेंट जो हैं स्कूल में वो कितने हो जाएंगे, 1,116 हो जाएंगे। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट हु टुक एडमिशन इन 2018, टोटल नंबर ऑफ नए स्टूडेंट्स का बताना है जो 2018 में एडमिशन लिए थे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है स्कूल में कि 1 से 12वीं कक्षा है तुम्हारी, 1 से 12 क्लास है, तो जो छोड़े होंगे और लिए होंगे तो वहाँ से टोटल तुम्हें कार्यक्रम हुआ होगा। अब यहाँ से देखो 1 से 12 तक में तुम्हारा स्टार्टिंग में था 1008, ठीक है, फिर तुमने क्या किया, एडमिशन लिया 1 से लेके 5 तक, जिसकी एडमिशन हो गई तुम्हारी 80, तो अब उसके बाद दे दिया 6 से 12, तो वैसे लोग भी तो होंगे जो 6 से 12 में एडमिशन लिए होंगे, तो सम ऑफ एडमिशन टेकन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक में, 6 से लेके 12 तक में, इसका मैंने मान लिया x। यहाँ देखो मैंने डायरेक्ट सम माना, एवरेज नहीं माना मैंने x, मैंने डायरेक्ट सम माना, तो
तो मैंने बोल दिया यहाँ से x इतना बढ़ा होगा, 1 से 5 में 80, 6 से 12 में x बढ़ गए। अब तुम्हें यहाँ पे दिए हुए है कि 1 से 5 में तुम्हारा 90 लोगों ने छोड़ दिया और 6 से 12 में तुम्हारा 84 लोगों ने छोड़ दिया, और इस तरीके से तुम्हारे जो टोटल स्टूडेंट्स बचे वो टोटल स्टूडेंट्स बचे 111 में 6। ठीक है, सॉल्व कर लोगे यहाँ से। सॉल्व करने के बाद एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी तुम्हारी 202। लेकिन ये तुम्हारी आंसर नहीं, तुमसे क्या पूछा कि टोटल कितना एडमिशन हुआ था वो, तो ये 202 तो निकला इसका 6 से 12 तक का, और 1 से 5 में एडमिशन हुआ था 80, यानी 202 में जब तुम 82 ऐड कर दोगे तो यही तुम्हें क्या देगा हमारा 282। ठीक है, सॉरी ये 80, 202 में 80 जब ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या देगा 282, और यही तुम्हारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 282। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और आखिरी सवाल क्या बोल रहे हैं हम लोगों को। देखो बड़ा ही अच्छा सवाल है। इन अ बेस्ड लॉटरी टिकट द टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10। टिकट्स जो नंबर है वो कहाँ तक है नंबर है, 1 से लेके 10 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड इवन नंबर इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। इवन नंबर जो का प्रोबेबिलिटी पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ऑड नंबर का ट्वाइस है। तो मान लो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, 2x हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जब तुम्हारे पास 1 से 10 है तो उसमें या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, दूसरा तीसरा तो कुछ होगा नहीं, तो सर्टेन प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि ऑड प्लस में इवन जो तुम्हारा देगा वो क्या देगा, 1 देगा। 3x बराबर में 1, एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1/3। ठीक है, एक्स जब 1/3 निकल गया तुम्हारा तो इवन वाला कितना निकल जाएगा, 2/3। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 इज थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेस्ट ऑफ द इवन नंबर। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, रेस्ट इवन नंबर का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो लाइन हमें बोला है, रेस्ट इवन नंबर का क्या है, थ्राइस है, तो रेस्ट इवन नंबर अगर वाई मान लेता हूँ तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3y हो जाएगी, p ऑफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 और रेस्ट इवन नंबर क्या, देखो जो 4 का मल्टीपल है वो भी तो एक इवन नंबर ही है, तो 4 के मल्टीपल से जो बचे वो इवन नंबर आपके जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का वो 3 times है। तो देखो लिटरली यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि 4 भी तुम्हारा इवन नंबर और बचा हुआ इवन नंबर, यानी कि क्या कंप्लीट एक इवन नंबर, यानी कंप्लीट एक इवन नंबर कहने का मतलब क्या है कि ये वाई प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, तो y प्लस में 3y यानी कि क्या हो जाएगा, 4y बराबर में 2x। 2 की वैल्यू, x की वैल्यू तुम्हें पता है, 2 से काट दो इसे पहले दो बार में, y बराबर में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तुम्हें पता है 1/3 और नीचे 2 आ जाएगा तो 6, यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/6। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेस्ट ऑफ द इवन नंबर, रेस्ट ऑफ द इवन नंबर क्या था हमारा, y था, y का मान तो निकल गया हमारा 1/6, इसी के लिए हमारे साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/6 एंड योर आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो देखने के बाद लाइक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर सेट तुमने नहीं बनाया तो सेट को बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। ठीक है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ अपलोड हों तुम्हें डायरेक्ट नोटिफिकेशन विंडो में मिल जाए। चलो थैंक यू।